ये रिश्ता कहलाता है मैं जब जब अभिमन्यु से किसी ने मदद मांगी है तो अभिमन्यु सब कुछ छोड़कर उसकी मदद करने पहुंचे हैं। और अब तो अक्षरा अभिमन्यु से मदद मांगती नजर आने वाली है, भले ही वो अभिनव के लिए मदद मांगती नजर आने वाली है, क्योंकि अभिमन्यु की बहुत मदद की होती है अभिनव ने, तो वो फट से दौड़े दौड़े पहुंचने वाले है अभिनव को ट्रीट करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जहां पर अब बेचारी अक्षरा इतनी प्रॉब्लम में फंस रहेगी कि उसे अभिमन्यु को वहां पर अभिनव की मदद करने के लिए बुलाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि जब अभिमन्यु अभिनव की मदद करने उन्हें ट्रीट करने पहुंचने वाले हैं, तो इस सिचुएशन में अबीर का दिल भी अभिमन्यु जो कि काफी ज्यादा कह सकते हैं कि इस तरह का बन गया है कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे अभिमन्यु को, लेकिन इस सिचुएशन में अभिनव की मदद करते देखते हुए अभिमन्यु को अबीर का दिल भी उनकी तरफ पिघलने वाला है। जी हाँ, और कहीं ना कहीं अबीर भी अभिमन्यु को पसंद करना शुरू करने वाले हैं। तो जिस तरह से अक्षरा ये नहीं चाहती है कि अभिमन्यु और अबीर का किसी भी तरह का बॉन्ड बने, क्योंकि एक्चुअली में तो वो है पापा और बेटे ही, और अगर धीरे धीरे करके उनका बॉन्ड बनना शुरू हो गया तो फिर अभिमन्यु को अबीर से दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी फैंस कि आखिरकार किस तरह से जब अभीर का दिल पिघलने वाला है और उन्हें अभिमन्यु अच्छे लगने लगेंगे, तो बाकी की कहानी किस तरह से ट्विस्ट लेती है। क्या अभी अभिमन्यु को वहीं रुकने के लिए मना लेंगे? जान के लिए स्टार्स के शुरू रिश्ते क्या खुला है, देखते रहिए मेरे साथ हर एक लग्स अपडेट्स के लिए। यू वी जुड़े रहे, स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।